कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बहुलक और बहिष्टक। इसके पहले हमने माध्य बता दिया था आपको, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में किस तरह से माध्य और माध्यिका दोनों ज्ञात करते हैं। आज हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक, बहुलक से ही समझ में आ रहा है कि मतलब अधिक बार आना या फिर सबसे अधिक वाली संख्या। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बहुलक जो है, ये जो सूत्र दिया हुआ है, आप लोग ये सूत्र देख रहे हैं, ये सतत श्रेणी जब होगी तो उसमें ये सूत्र यूज होगा। किसमें होगा? सतत श्रेणी में। तो हमने सूत्र पहले आपको ये बताने के लिए हमने पहले सूत्र लिख दिया है। सूत्र जो है, z बराबर l प्लस l1 प्लस f1 माइनस f0, फिर f1, ये जो है f1 f0, और ये जो पूरे माइनस में जाएंगे, फिर उसके बाद l2 माइनस l1 है। यहाँ पर z जो है वह बहुलक के मूल्य को दर्शाता है, l1 जो है बहुलक मूल्य की निम्न सीमा। आप लोग को पता है हमने माध्य ज्ञात कर, माध्यिका ज्ञात कर रहे थे तब भी हमने बताया था कि निम्न सीमा क्या होती है। f जो है बहुलक वर्ग की आवृत्ति होगी, f0 जो है बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति होगी। जब हम हल करेंगे गणित तो ये चीज आपको देखने में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है इसमें देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। ये जो गणित दिया हुआ है ये व्यक्तिगत श्रेणी का है, व्यक्तिगत श्रेणी का है। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है बार बार उपयोग हो रही है, जिस तरह से मैंने आप लोग बताया कि बार बार। तो इसमें है 550, 600, 680, 750, 600। यहाँ पर आप देखेंगे कि 600, यहाँ 600 और यहाँ भी 600 और यहाँ 600। मतलब जो संख्या बार बार यूज हो रही है वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। व्यक्तिगत में दिया हुआ है इसलिए हमारा जो है बहुलक क्या हुआ? 600 हुआ। मतलब जो व्यक्ति का जो एक औसत जो मूल्य निकाला जाता है वह क्या हो गया हमारा? 600 हो गया। उसी तरह से खंडित श्रेणी में देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है बड़ी है। इसमें हम देखेंगे कि ये है, तो ये इसका हमारा जो क्या होगा बहुलक जो होगा उसका मूल्य जो है हमारे पास क्या है? 40। तो 40 का जो है इसका ये जो है हमारा बहुलक इसका जो जाएगा क्या हो जाएगा? 5। मतलब ये संख्या जो हमारी दी हुई है इससे हम ये 5 देखेंगे। इसी को यदि हम देखेंगे कि अगले हम उसमें देख रहे सतत श्रेणी में, इसी को हम समूहन रीति से भी कर सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ही पूरा लिखा रहेगा, उसके बाद फिर समूहन रीति करेंगे। तो इसको भी हम जिस तरह से सतत श्रेणी में समूहन करेंगे उस तरह से समूहन रीति द्वारा भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सतत श्रेणी में क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम समूहन विधि द्वारा बहुलक ज्ञात करेंगे, जैसे कि वहां पर हमने बताया, तो उसमें भी जब आप लोग समूहन रीति से करेंगे तो वही चीज क्या जाएगा? उत्तर वही आएगा। यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड में हम क्या करेंगे? समूहन रीति, समूहन मतलब समूह में उसको ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो को लेंगे, फिर ये दो को लेंगे, फिर ये दो को लेंगे। अब ये दो को लेने से क्या होगा? उसको हम क्या करेंगे? टोटल करके उसको लिखेंगे। उससे क्या होगा? जो समूहन रीति हमारी जो है वह ज्ञात हो जाएगी। जैसे 12 और 15 को हमने जोड़ा तो ये आ गया 27, और जब हमने 19 और 21 को जोड़ा ये हो गया 40, और जब हमने 16 और 10 को जोड़ा तो ये हो गया 26। इसी तरह से एक बार और हम लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट संख्या हमने की है उसके बाद हम सेकंड संख्या से लेंगे, ये 15, 15 से ये 19, फिर ये 21 से 16। जो नीचे एक बच रहा है ऊपर एक बच रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 34, और यहाँ पर 21 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 37। इस तरह से हमारा ये थर्ड राउंड हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जब देखेंगे तो इसमें समूहन रीति, अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ राउंड आएगा, फोर्थ राउंड में हम तीन तीन संख्या लेंगे, 1, 2, 3। इस तरह से हो गया 1, 2 और ये 3। फिर यहाँ से ही लेंगे 1, 2 और ये 3। इस तरह से तीन तीन संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो ये इनका हो जाएगा 46, और इसका ये तीनों का हो जाएगा 47। फिर इसके बाद ये जो तीन का जो राउंड है ये तीन बार जाएगा। यहाँ हम देखेंगे ये हुआ, फिर ये हमारा पांचवा राउंड हुआ। पांचवे राउंड में हम जैसे दूसरे में किए थे वैसे एक को छोड़ देंगे, छठवां ये।
इसमें भी हम क्या, अब जब तीसरा तीन का हम जोड़ी बना, फिर यहाँ पर एक और दो ये छोड़ देंगे, एक दो तीन, 19 से लेंगे हम, 19, 21 और ये 16, जब इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 56, ये 56 आ गया। फिर हम लास्ट में जब देखेंगे कि कौन सी संख्याओं का बार बार यूज हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर कौन कौन सी संख्या ली है, यहाँ पर 27 आया, उसके बाद फिर जो संख्या सबसे ज्यादा यूज होगी उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उसमें हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर उसके बाद हमने जोड़ी बनाई तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरह से हमारी जो संख्याएं हैं ये ऑटोमेटिक क्या होती जाएंगी, 1 2 3, तो मतलब ये 3 हुआ यहाँ पर, जब इनका एक एक हम करते चले जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4, ये 5 में हमने वो किया था ये आ जाएगा। फिर उसी तरह से नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, इस तरह से ये संख्याएं ऐसी बनेगी। तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है। तब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने ये लिखा है, ये संख्याएं हमने लिखी है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। इस तरह से हमारी ये संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने ये सूत्र लिखा है तो सूत्र कहाँ कहाँ कैसे यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर आई है, ये यहाँ पर आई है, ये संख्या आई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा हो जाएगा ये F1 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा F0 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा F2 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सूत्र में रखेंगे। और यहाँ पर जो हमने ये दिया लिया है, इसमें ये जो है L, जो है L1 और L2 जो दिया हुआ है वह आ जाएगा। तो अपना L1 ये है और L2 ये है। इस तरह से हम सूत्र में देखेंगे, L1 जो हमारा है वह 30 है, फिर धन F1 कितना हमारा 21 है, 21, फिर ऋण F0 19, फिर नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पर जो ये है ये 2 है, 2 का गुणा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 21 ऋण 19 ये हो गया, फिर ये 2 गुणा F1 कितना दिया हुआ है 21, फिर ऋण 19, फिर ऋण 16, फिर इसके बाद यहाँ पर गुणा जो होगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 ऋण 30। तीसरे से हमने सूत्र में क्या रख दिया, ये संख्या रख दी। अब इसको हम जब हल करेंगे तो इसमें 30 धन, जब इसको इससे घटाया तो यहाँ पर आ गया हमारा 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 21 दूनी 42 हो गया, फिर ये ऋण हो गया, फिर ये 19 जो हमारा दिया था उसको जब हमने घटाया ऋण और ऋण धन होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 35। इस तरह से ये हुआ और यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको घटाया तो हमारे पास क्या बचा ये 10। तो इस तरह से जब हम यहाँ लास्ट में जब हमारा यहाँ 30 धन, फिर जब हमने इससे इसको घटाया तो इस तरह से ये इसका इसका गुणा किया तो 20, 20/, जब इसको घटाया तो हमारे पास आ गया 7। जब इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 30 धन 2.86, इस तरह से आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 32.86, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को ये गणित जो है हल करनी है, इसके आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको आप लोगों को हल करना है, ये जो है आप लोगों के गृह कार्य हैं। ये कॉपी में आप लोगों को हल करना है।